सिनेमा डायरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2006 की एक डकैती थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे, जिस मूवी का नाम है इनसाइड मैन। मूवी की शुरुआत में हम डाल्टन रसेल को देखते हैं। ये कैमरे के सामने कन्फेस कर रहा है कि हमने वॉल स्ट्रीट पर मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक पर एक बैंक डकैती को अंजाम दिया और पुलिस के हाथ आए बिना ही पुलिस के सामने से ही मेन गेट से बाहर निकलने में कामयाब रहे। तो यहाँ यह प्रश्न होता है कि वास्तव में उन्होंने यह कैसे किया। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वैन में से कुछ लोग बहुत सारा सामान लेकर उतरते हैं, जिसे देखकर लगता है कि बैंक को पेंट करने के लिए आए हो। सभी ने एक जैसे ही पेंटर के कपड़े पहन रखे थे। सबसे पहले डाल्टन बैंक में एंट्री करता है, जो टॉर्च जैसे उपकरण से बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देता है। बाद में बाकी के साथी भी बैंक में घुस जाते हैं और बैंक को अंदर से लॉक कर देते हैं। सीसीटीवी बंद होते ही बैंक में स्मोक सेल्स छोड़कर बैंक को धुआं धुआं कर देते हैं और सबको गन पॉइंट पर जमीन पर लेटा देते हैं। बैंक के बाहर से एक पुलिस वाला देखता है कि बैंक में से धुआं निकल रहा है, तो वह मदद के लिए पुलिस में कॉल लगाता है। इससे पहले कि वह कॉल पूरा कर पाता, डाल्टन बाहर आता है और उसे बताता है कि उसके पास बंधक है और अगर पुलिस दरवाजे के पास भी आती है तो वह उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देगा। बाद में पुलिसकर्मी कॉल करता है और न्यूयॉर्क की सारी पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और पूरे इलाकों को सीज करना शुरू कर देती है। इधर हम देखते हैं कि मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक के मालिक आर्थर को, जिसे पता चलता है कि उनका बैंक हाईजेक हो चुका है। यह खबर सुनकर आर्थर बहुत ही घबरा जाता है, इसलिए वह एक हाई पावर ब्रोकर मैडलिन व्हाइट को कॉल लगाता है ताकि उस बैंक के सेफ्टी लॉकर में रखे गए अपने बहुत ही महत्वपूर्ण पारिवारिक दस्तावेजों को सुरक्षित करने का तरीका खोजा जा सके। मैडलिन वहां पहुंचती है और आर्थर से कहती है कि उसके लॉकर में क्या है। आर्थर उसे कहता है कि लॉकर में हमारे पारिवारिक दस्तावेज है, चाहे वो लॉकर में सुरक्षित रहे या बैंक में से गायब हो जाए, पर लुटेरों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। इधर हम पुलिस स्टेशन में इस केस से जुड़े अन्य दो व्यक्ति को देखते हैं, जिसमें से एक है डिटेक्टिव फ्रेजियर और दूसरा मिशेल। फ्रेजियर जो एक बहुत ही काबिल पुलिस वाला है, लेकिन उसके ऊपर ड्रग डीलिंग का डिपार्टमेंटल केस चल रहा है, जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। दोनों जासूस बैंक के बाहर खड़ी पुलिस वैन में जाते हैं और कैप्टन डेरियस से मिलते हैं, जो यहाँ का इंचार्ज है। इस बीच बैंक में लुटेरे बंधकों को एक कमरे में ले जाकर लाइन में खड़ा कर देते हैं। डाल्टन बंधकों को कहता है कि अपनी चाबियां और फोन अपनी जेब या हैंडबैग से निकाल ले। बाद में उनका एक साथी सब कलेक्ट कर लेता है, पर इनमें से एक बैंक कर्मचारी अपना फोन नहीं देता और कहता है कि उसने उसे घर पर ही छोड़ दिया है। पर डाल्टन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह एक फोन निकालता है और उसका नंबर डायल करता है, जिससे पता चलता है कि उसका फोन अपनी कैबिन में ही छोड़ दिया है। तब डाल्टन उस आदमी को उस कैबिन में ले जाता है और उसकी बेरहमी से पिटाई कर देता है, तो वह बाकी के बंदों के लिए भी एक सबक बन जाता है। डाल्टन खून से लथपथ बाहर निकलता है, इसलिए घबराए सभी लोग अपनी छुपी चीजों को निकाल निकाल कर देने लगते हैं। इसके बाद डाल्टन जेंट्स और लेडीज को अलग अलग कर देता है और सबके कपड़े उतरवाए जाते हैं। फिर सभी बंदकों को एक जैसा ही सूट पहनने को दिया जाता है और सभी को नकाब पहनने का ऑर्डर मिलता है। बैंक में काम करने वाला एक बुजुर्ग बंदक बहुत ही बीमार होने लगता है, तो डाल्टन उसे बाहर भेज देता है। तभी पुलिस वाले तुरंत घुटनों पर बिठा देते हैं। बूढ़ा आदमी पुलिस को बताता है कि उन्हें बैंक के पास नहीं जाने के लिए कहा गया है, नहीं तो हर एक घंटे में एक बंधक की लाश बाहर भेजेंगे। इधर बैंक के अंदर लुटेरे बैंक की तिजोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर वह बैंक के एक कमरे में जाते हैं, जहां बैंक की सारी स्टेशनरी पड़ी हुई है। वहां सभी सामान हटाते हैं और जमीन की खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। बाद में फ्रेजियर बैंक के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और उन्हें पता चलता है कि लुटेरों ने बैंक के अंदर घुसते ही इंफ्रारेड तकनीक की लाइट की मदद से सारे सीसीटीवी बंद कर दिए थे। इधर हम पावरफुल लेडी ब्रोकर मैडलिन को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क के मेयर के पास जाती है और उसे एक फेवर मांगती है। वह उसे बताती है कि वह एक डेलीगेशन के तौर पर बैंक के अंदर जाकर बंधकों की स्थिति की जानकारी लेना चाहती है, पर असल में वह आर्थर से की गई डील को पूरा करने के लिए अंदर जाना चाहती थी। तभी बैंक के बाहर हम देखते हैं कि लुटेरों ने एक और बंधक को बाहर भेजा है, जिसके गले में एक बॉल लटका हुआ था, जिसमें पुलिस के लिए कुछ संदेश लिखा था। न्यूयॉर्क पुलिस उसे भी घुटनों पर बिठा देती है। उसका नकाब हटता है तो पता चलता है कि यह एक सिख आदमी है। वह उन्हें बताता है कि मैं लुटेरा नहीं हूँ,
फिर फ्रेजियर और मिशेल उससे पूछताछ करते हैं, तो यह कंफर्म हो जाता है कि बैंक के अंदर चार लुटेरे हैं और 25-30 जितने बंधक। बाद में पुलिस उन मांगों को पढ़ते हैं जो उस सिख बंधक के साथ भेजी गई थी, जिसमें लुटेरे रात 9 बजे तक 2 बस और 1 जंबो जेट विमान की मांग कर रहे हैं। यदि पुलिस दिए गए समय पर यह काम नहीं करती है तो वह हर एक घंटे में एक बंदे को मार डालेगा। डियरियस कहता है कि उन्हें विमान तो नहीं मिल सकता, चाहे तो बस का इंतजाम हो सकता है। जबकि फ्रेजियर उन्हें बताता है कि जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे तब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि एक कप कॉफी भी नहीं। तभी अचानक वहाँ आर्थर आ पहुँचता है और पूछता है कि क्या वह कुछ सहायता कर सकता है। पुलिस उसे बताते हैं कि वह एक जेट चाहते हैं, तो आर्थर कहता है कि क्या मैं उनके लिए इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। वहाँ पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं। बाद में आर्थर को वैन से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर हम देखते हैं कि लुटेरे सभी बंधकों के लिए भोजन देने की मांग करते हैं। उनकी मांग पर अंदर पिज्जा बेचने का फैसला होता है और बैंक के अंदर की सारी बातें सुनने के लिए पिज्जा बॉक्स के ऊपर एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया जाता है। पानी की बोतलें और पिज्जा बैंक के बाहर रख दिया जाता है। जब अंदर से खाना रिसीव करने के लिए कुछ लोग बाहर आते हैं तो फ्रेजियर उनसे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अंदर फोन रिसीव करो तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर डाल्टन कोई जवाब नहीं देता। बाद में पुलिस बैंक के अंदर का ऑडियो सुनती है और उन्हें पता चलता है कि वे लोग दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह रूसी भाषा है। फिर रूसी जानने वाला एक पुलिस वाला इस रिकॉर्डिंग को सुनता है और वह कहता है कि यह एक अल्बानियन भाषा है। तभी पुलिस वाले अल्बानियन जानने वाले एक मजदूर को पकड़ कर ले आते हैं। वह कहता है कि मुझे सिर्फ अल्बानियन में गालियां ही समझ आती है जो मेरी बीबी मुझे देती थी, पर अब मैं उसके साथ नहीं हूँ। फिर उसकी बीबी को बुलाया जाता है तो वह रिकॉर्डिंग सुन के हंसने लगती है और वह कहती है कि यह आवाज पूर्व कम्युनिस्ट लीडर अनवर होक्सा की है जो अल्बानिया के राष्ट्रपति थे, पर उन्हें मरे हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। तभी यहाँ पुलिस का रचा पूरा गेम का पासा पलट जाता है। अंदर बैंक में डाल्टन की टीम की एक लेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स को खोलती है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ जरूरी दस्तावेज, छोटी छोटी थैलियों जिसमें डायमंड है और एक रिंग बॉक्स था, वो सब निकाल लेते हैं। उसी समय मेयर और मेडलिन बैंक पहुंचते हैं। वहां मेडलिन डिटेक्टिव फ्रेजियर से मिलती है और उसे कहती है कि तुम पर लगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैं सॉल्व कर दूंगी, खाली तुम मेरी अंदर लुटेरों से बात करवाओ। फ्रेजियर फिर से बैंक के अंदर फोन लगाता है। इस बार डाल्टन कॉल रिसीव कर लेता है। डाल्टन सिर्फ अपनी मांगों को ही दोहराता है और धमकी देता है कि निर्धारित समय में हमारी इन मांगे नहीं पूरी की गई तो एक एक करके बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। फिर मेडलिन की डाल्टन से बात कराई जाती है। उनमें कुछ बातें होती है और डाल्टन को यकीन हो जाता है कि उन्हें आमने सामने की बातचीत करनी चाहिए। जब वह बैंक में पहुंचती है तो उसकी तलाशी ली जाती है और फिर डाल्टन से बात करती है, उसे बार्गेनिंग करती है। मेडलिन वह डिपॉजिट बॉक्स के बदले एक छोटी सी जेल की सजा और जेल से छूटने के बाद तुम्हें $2 million मिलेंगे, ऐसा ऑफर देती है। फिर डाल्टन एक लिफाफा निकालता है जिसमें नाजी का सिंबल बना हुआ है। डाल्टन मेडलिन को कहता है कि तुम उस आदमी के लिए काम कर रही हो जिसने World War II में अपने ही लोगों से गद्दारी की थी, खुद के लोगों का कत्ल करवाया था, जिस नाजियों से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह आदमी नाजियों का एक सहयोगी था जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिले थे, जिसके बलबूते पर उसने यह बैंक खड़ा किया है। अगर हम इस डकैती में पकड़े भी जाते हैं तो यह लिफाफा हमारी छूटने की गारंटी है। फिर मेडलिन बैंक के बाहर आती है। कुछ समय बाद फ्रेजियर अलग प्लान बनाता है और बैंक के अंदर डकैत से बात करता है और वह कहता है कि उसे अंदर आने दिया जाए और सभी बंधकों के हालात तलाशने के बाद जेट विमान देने पर फैसला हो पाएगा। इस बात के लिए डाल्टन सहमत हो जाता है और फ्रेजियर को बैंक के अंदर आने देता है। उसे बंधकों वाले कमरे में ले जाया जाता है जहां से वह देखता है कि सभी जीवित है और ठीक है। जाने से पहले वह बंधकों को वादा करता है कि वह उन सभी को जल्द से जल्द बाहर निकाल लेगा। फ्रेजियर और डाल्टन बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेजियर डाल्टन को यह कहता है कि ये सब तुम पैसों के लिए कर रहे हो। डाल्टन कहता है कि पैसा किसे नहीं चाहिए, तुम भी पैसे के लिए ही काम करते हो। फ्रेजियर कहता है कि मेरे पास तो उतने भी पैसे नहीं है कि जिससे लिए मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक रिंग भी खरीद सकूं। बातों बातों में फ्रेजियर डाल्टन का मास्क खींचने का कोशिश करता है।
पर उसका दूसरा साथी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और डाल्टन उस पर चिढ़ जाता है। बाद में डाल्टन कंट्रोल रूम में कॉल करके कहता है कि सभी कैमरे को बैंक की छत के ऊपर मूव किया जाए। बाद में हम देखते हैं कि छत के ऊपर एक बंदक को चेयर के साथ बंधा हुआ है और डाल्टन उसे वहां गोली मार देता है। इस इफेक्ट से डिटेक्टिव फ्रेजियर का चार्ज वापिस डेरियस को सौंपा जाता है। फिर डेरियस पूरे जोश के साथ बैंक के अंदर घुसने का प्लान बनाता है और सभी पर रबर बुलेट्स का यूज करने का फैसला होता है ताकि किसी की जान न जाए। तभी फ्रेजियर को पता चलता है कि लुटेरे उनका पूरा प्लान ट्रांसमीटर से सुन रहे थे जो सिख बंदक के गले में लटके हुए बोर्ड में फिट किया था। डाल्टन ने उनका पूरा प्लान सुन लिया है, इसलिए डेरियस की टीम बैंक के अंदर पहुंचे इससे पहले ही, और डाल्टन बैंक के अंदर एक विस्फोट करता है जिससे बैंक का दरवाजा भी टूट जाता है और सभी बंदक दौड़कर बैंक के बाहर आ जाते हैं और इन भीड़ में लुटेरे भी शामिल हो जाते हैं। जैसे ही सब लोग बाहर आते हैं, टैक्टिकल टीम उन सभी को जमीन पर लेटा देती है और सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर टैक्टिकल टीम लुटेरों को ढूंढने के लिए संभावित शव को खोजने के लिए बैंक के अंदर जाती है। वे सभी कमरों तिजोरी की जांच करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा पुलिस को पता चलता है कि उनके पास जो हथियार थे वो भी खिलौने के थे और छत पर की गई बंदक की हत्या भी सिर्फ एक दिखावा थी। दरअसल किसी भी बंदक को गोली मारी नहीं गई थी। इस बीच बंदकों और सभी लुटेरों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया जा रहा है, पर कोई नहीं जानता कि इनमें से बंदक कौन है और लुटेरा कौन है। कुछ समय बाद फ्रेजियर के ऊपर का अधिकारी उन्हें बताता है कि इस केस में कुछ भी सबूत नहीं है, इसलिए इस फाइल को बंद कर दो और तो और तुम पर लगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी खारिज हो चुकी है। तभी फ्रेजियर को अंदाजा आने लगता है कि इस केस को कोई ऊपर से ही बंद करवाना चाहता है। इस दौरान फ्रेजियर को बैंक के लॉकर में एक संदिग्ध लॉकर के बारे में पता चलता है जो आर्थर का था। वह सीधा मेडलिन के पास पहुंचता है और उसे मेयर और उनकी डील का रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि उस बैंक के लॉकर में क्या था जिसे तुम छुपाना चाहती हो। पर मेडलिन उसे जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है और सीधा आर्थर के पास जाती है। उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि लॉकर में डायमंड, नाजी और तुम्हारे संबंध के दस्तावेज, पर इसके अलावा इसमें क्या था। आर्थर उसे बताता है कि उसमें एक रिंग थी जो मैंने यहूदी फैमिली से ली थी, फिर भी मैंने उनको बचाया नहीं था क्योंकि इससे भी ज्यादा पैसे मुझे नाजियों से मिले थे। और मेडलिन अपना पेमेंट लेकर वहां से निकल जाती है। फिर हम मूवी के पहले सीन को देखते हैं जो डाल्टन किसी जेल से नहीं बल्कि बैंक के अंदर के उनके द्वारा बनाए गए एक कमरे से बात कर रहा था और ठीक 7 दिन के बाद वह स्टेशनरी वाले रूम के पिछले हिस्से से बाहर निकलता है। तभी फ्रेजियर आर्थर का लॉकर चेक करने के लिए बैंक में आता है। डाल्टन उसे टकराता है पर फ्रेजियर उसे पहचान नहीं पाता। फ्रेजियर लॉकर खोलता है तो उसके अंदर स्विंगम, एक रिंग बॉक्स और एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था फॉलो द रिंग, यानी यह वही रिंग था जो यहूदी फैमिली के पास से आर्थर ने लेकर भी उनकी जान नहीं बचाई थी। यानी वह सीधा रिंग के जरिए आर्थर से पहुंच सकेगा जो उसे सजा दिलाएगा। और बाकी दस्तावेज डाल्टन के पास है जो आर्थर को सजा दिलाने के लिए काफी है। फ्रेजियर अब घर आता है और उसे पता चलता है कि उसकी जेब में एक डायमंड है। फिर उसे याद आता है कि जब वह बैंक में उस शख्स से टकराया था उसी ने यह डायमंड मेरी जेब में डाला होगा क्योंकि उसने डाल्टन से कहा था कि उसके पास उतने भी पैसे नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड के लिए एक रिंग ले सके। और इस तरफ आर्थर पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जाता है। और इसके साथ ही यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों मूवी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।